नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के रतिया इलाके में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने नागरिक संशोधन बिल को लेकर शहर भर में किया प्रदर्शन। जामिया और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुए हमले की निंदा की और कहा, जब तक वापस नहीं होता नागरिक संशोधन, स्टूडेंट के धरने प्रदर्शन रहेंगे जारी। फतेहाबाद के रतिया इलाके में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से शहर भर में प्रदर्शन किया गया। स्टूडेंट ने नागरिक संशोधन बिल और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए हमले को लेकर यह प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार के द्वारा छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। रतिया के मेन बाजार से नारेबाजी करते हुए छात्र शहीद भगत सिंह चौक पहुँचे और वहाँ पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता गुरप्रीत सिंह ने बताया कि जब तक सरकार नागरिक संशोधन बिल को वापस नहीं लेती, छात्रों का यह आंदोलन जारी रहेगा। वह नागरिक संशोधन बिल का विरोध करते रहेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। एनआरसी को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पूरे देश में पिछले दिनों जामिया और इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटी जो कि छात्रों पर हमले किए गए उसको लेकर और देश में संशोधन बिल को लेकर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचेगी। देश के जो लोग हैं, युवा है, वो अभी तक सोए नहीं है, आपके खिलाफ खड़े, अब पूरी ताकत के लिए खड़े होने को तैयार है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि जब तक इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम ये प्रदर्शन और बड़ी संख्या में करने की कोशिश करेंगे। किस सभा द्वारा कराया जा रहा है ये? आयशा ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है।